मध्य प्रदेश के शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक राजधानी भोपाल में आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इसमें बीजेपी की राम भक्ति की झलक भी दिखाई दी। साथ ही दतिया के विकास को लेकर सीएम शिवराज और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा किए वादे का भी प्रभाव साफ तौर पर झलका। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बुधवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को अंतिम रूप दिया। तो जानिए आखिर क्या थे ये फैसले। राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। श्री रामचंद्र पाठ गमन न्यास की स्थापना और गठन की कैबिनेट में मिली स्वीकृति। दतिया में हवाई पट्टी को उड़ान योजना में सम्मिलित करना किया प्रस्तावित। सागर में चिकित्सा महाविद्यालय में 100 से 250 MBBS की सीटों की वृद्धि। अभावग्रस्त कलाकारों को वित्तीय सहायता 1500 से बढ़ाकर 5000 रुपए तक मिलेगी। ई नगर पालिका पोर्टल में 16 मॉड्यूल में 24 प्रारंभ की गई हैं। 200 करोड़ का होगा अनुमानित व्यय। मंदसौर के मल्हारगंज में बनेगा नया SDM कार्यालय। 109 पटवारी हलके में होंगे समाविष्ट। सागर में जैसी नगर बनेगा नवीन अनुविभाग। 126 हलके किए जाएंगे समाविष्ट। सीहोर में दोराहा होगी नई तहसील। 41 पटवारी हलके होंगे शामिल। किसानों के हित में हर जिले में बनेगा 2 FPO। तो इस तरह से किसानों और जनता को राहत देने की कैबिनेट की बैठक में कोशिश की गई है, जिसमें सीएम शिवराज और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का गृह जिला भी शामिल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।